देवी नाम है इनका, बहुत अच्छा लगा आपको। अरे आपका भाभी पहचानता है, कोई इशू नहीं, आप लोग तो भगवान के वो रूप है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुनिया वास को ट्रिपल वन। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं, हाँ सुबह के बजने वाले हैं 10, और मैं देखिए अभी नहा के रेडी हो रही हूँ, अभी रेडी हुई नहीं हूँ पूरी तरीके से। मैंने ये ब्लू कलर का जो मेरा सूट है वो पहना है, और मैं बता दूँ आप लोगों को कि मैं जा रही हूँ अपने भैया के ससुराल लामडिंग। जी हाँ, मैं लामडिंग जा रही हूँ भैया के ससुराल, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 4 दिसंबर को मेरी शादी है, और कई दिनों से मतलब लगभग जून जुलाई के महीने से ही वो उनके ससुराल वाले मुझे बहुत फोर्स कर रहे हैं कि आइए एक बार हमारे यहाँ होके घूम आइए, तो फिर शादी के बाद आप पता नहीं कब आएंगे कब नहीं, तो वो बहुत फोर्स कर रहे थे। और यहाँ से मेरी भाभी भी कह रही हैं, भाभी मेरी अपने मायके में ही हैं, जिन जो भैया के साथ, सूरज भैया के साथ मैं जा रही हूँ, तो उनकी जो वाइफ है मायके में ही है अभी, तो उनको वो लाने जा रहे हैं, तो मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। हम लोग एक आध दिन रह के वापस आ जाएंगे भाभी को लेके दीपावली के पहले पहले। तो रेडी होने के चक्कर में मेरा दिख रहा है वहाँ, देखिए ना मेरा भाई राज अब तक सो रहा है, और मुझे मैंने कितने सारे कपड़े बिखेर दिए, डिसाइड नहीं कर पा रही थी कौन सा पहनूं कौन सा नहीं। ये देखिए कैसे बिखेर के रख दिया मैंने, वैसे ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ फिर भी। ये देखिए लीजा कह रही हूँ हमारी गुल की महारानी को, रेशमा को। हाय गाइस, सुबह सुबह नाश्ता पानी करने के बाद देखिए ये सो रही है, ऐसा कोई करता है? ये लाइट जल रहे। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ। हमारी ट्रेन शायद गुवाहाटी से है, भैया बता रहे थे यहाँ से हम जाएंगे गुवाहाटी, और गुवाहाटी से हम ट्रेन पकड़ेंगे। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा आज। चलिए तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ, और ये देखिए मैं मेरे साथ मेरा ये पर्स जाएगा, साथ में ये एक बैग है जिसमें मैंने अपने एक आध जोड़े कपड़े रखे हैं। और मैं रेडी तो कब की हो चुकी थी, बस समय था बकाया, तो मैंने सोचा 2-3 रील शूट कर लूँ, तो मैंने अपने बैकग्राउंड में आंगन में मैंने रील शूट कर लिया, 2-3 रील शूट कर लिया। और अभी 11:20 हो चुके हैं, और मुझे पक्का 11:30 बस स्टॉप पे पहुंचना है, तो मैं भी निकलती हूँ, और फिर आप लोगों से मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है आज का पूरे ब्लॉग में, आप बने रहिए, ठीक है। और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बेल आइकन प्रेस करते जाइए, और अपना खूब सारा प्यार सपोर्ट मुझे दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों के प्यार की, आशीर्वाद की। फ्रेंड्स मैं निकल चुकी हूँ, ये देखिए ई रिक्शा में हूँ, भैया आ रहे हैं, मुझे ATM में अभी उतरना भी पड़ेगा, ATM जाके मुझे कुछ पैसे भी विड्रॉ करने होंगे। घर से निकलने में बहुत बहुत झमेले होते हैं, सब कुछ देख सुन के जाना होता है। वहाँ जो है बहन की सास भी बीमार है, उनकी तबीयत ख़राब है, सारे घर वाले वहीं पे हैं। अब मुझे मेरा वहाँ जाना ज़रूरी इसलिए भी है कि मुझे वहाँ पे ना कुछ लोगों से मिलना है, और कुछ लोगों को इनवाइट भी करना है शादी के लिए, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग बस में एंटर हो चुके हैं, ये देखिए भैया आए घर, तो 2 बजे की ट्रेन है हमारी, और अभी हम लोग बस में हैं, जा रहे हैं। आप लोग बहुत धूप है, यहाँ बैठे जहाँ वहाँ पे बहुत, देखते हैं क्या होता है आगे। बस हमारी चल पड़ी है, गुवाहाटी चल, बस के नाम का है STC ना, STC यानी कि आसम आसम ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ना, ASTC आसम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऐसा कुछ है, मैं भी भूल गई। तो हम लोग मतलब शॉर्ट फॉर्म में ASTC में है हम लोग, जो सरकारी बस है आसाम का। ये देखिए तो अभी हम लोग जाएंगे गुवाहाटी स्टेशन, गुवाहाटी स्टेशन से हमारी ट्रेन है, उसके बाद 2:30 2:30 की ट्रेन है। कौन सा ट्रेन है भाई? BG एक्सप्रेस। चलिए BG एक्सप्रेस में बिजी हो जाएंगे हम लोग। फाइनली हम लोग स्टेशन पहुंच भी चुके हैं, और
ट्रेन में अपनी सीट पे बैठ चुके हैं। S3 हमारा कोच है, वहाँ पे हमारे भैया, और 2:30 बजे जो है हमारी ट्रेन चल पड़ेगी। अभी तो 2 बजे हैं, 2:05 हो रहे होंगे। और बाकी ट्रेन में उतनी भीड़ तो है नहीं, खाली है। ये रूट ना ज़्यादा बिजी नहीं रहती है, इसीलिए आज वो। बाकी स्टेशन पे देखिए प्लेटफॉर्म पे कितनी भीड़ है, देखिए। ट्रेन चले तो मज़ा आए, क्योंकि रात को हमारी नींद नहीं हुई है, क्योंकि रात को 1 बजे ही फ़ोन आया मेरी सिस्टर का, क्योंकि उसकी सासू माँ की हालत जो बहुत ख़राब हो गई थी, इस वजह से रात में ही भाग दौड़ हो गई। रात में हम सोई नहीं, तो अभी नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। भैया अभी जाएंगे कुछ खाने के लिए लेने आए, तो भूख भी लगी है हम दोनों को, खाने के लिए कुछ लेने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ट्रेन जो है नारंगी स्टेशन पे आके, यानी कि गुवाहाटी स्टेशन से कुछ ही दूर आके रुक गई है, और रुकते हुए लगभग 1.5 घंटे हो गए हैं। और अब पता लगा है कि ट्रैक ठीक किया जा रहा है, रिपेयर किया जा रहा है ट्रैक, तो हम लोग बस वेट कर रहे हैं। वैसे तो टाइमिंग 6 बजे की थी पहुंचने की, बट अब पता नहीं लेट हो गया तो कब तक पहुंचा है, कब तक नहीं, कहना मुश्किल है। अभी एकदम ट्रेन में शांति छाई हुई है, सब बैठे हुए हैं सारे के सारे, पता नहीं कब तक रिपेयर होगा, कब तक गाड़ी चलेगी, गॉड नोज। फ्रेंड्स, फाइनली पूरे 2 घंटे के बाद ट्रेन अब चली है, बहुत सुकून मिल रहा है। मतलब रात को नींद पूरी नहीं हुई, और भूख तो खैर हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत चाय नाश्ता किया था, और केक भी चाय वाय दिया था, तो भूख तो शांत है। चलिए मैं आपको बैक कैमरे से थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा दिखा देती हूँ, ट्रेन से खिड़की से दिखाती हूँ, सॉरी। तो फ्रेंड्स, हम 2 बजे की ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन 2:30 बजे चलनी शुरू हुई, और अभी आप यकीन नहीं मानेंगे 7 बज रहे हैं। हमारी टाइमिंग थी 6 बजे की, 6 बजे हम अपने स्टेशन पे पहुंच जाते हैं, बट अभी यही 7 बज गए हैं, तो पता नहीं हम लोग लैंडिंग कब तक पहुंचेंगे। और इसका रीज़न क्या है, क्या बोल रहे भाई, क्या हुआ तो बताओ, क्या हाँ, पटरी का जो ट्रैक है ना, उस पर बड़े बड़े पत्थर के वजह से वो ट्रेन चल नहीं पा रहा था। ट्रेन के जो डब्बे हैं ना, वो टेढ़े हो जा रहे थे, मतलब गिरने को थी ट्रेन हमारी, तो बार बार यही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। तो बार बार लोग वो मतलब वर्कर्स को बुला के ठीक करवाया जा रहा था, फिर आगे स्टेशन पर जाके यही प्रॉब्लम, तो ये कंटिन्यूसली चलता रहा। और अभी हम मतलब भैया टॉर्च जला रहे हैं, तभी मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग कर पा रही हूँ, क्योंकि लाइटिंग यहाँ तक नहीं पहुँच रही है। और अभी हम दोनों को लगी भूख, बट यहाँ पे कोई अभी आया नहीं है, मतलब कुछ लेके खाने पीने की चीज़ें, और ना ही यहाँ पे कुछ दुकान वगैरह है, आप देख रहे हैं अंधेरा ही अंधेरा यहाँ पे। हम सारे इतने डर गए थे, क्योंकि बीच में किसी ने अफवाह फैला दी अभी 10-15 मिनट पहले कि आगे ट्रेन के कुछ डब्बे जो है वो पलट के गिर गए हैं, तो सब भाग दौड़ मच गया था, पूरा डब्बा खाली हो गया था। फिर बाद में लोगों को पता चला कि ये सब अफवाह है, तब आके सारे पैसेंजर्स अपने अपने सीट पे बैठे, तो ऐसा रहा है सीन अभी तक। अब देखें कब तक पहुंचते हैं, सारे परेशान हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेरे फ्रेंड मिले हैं यहाँ पे ट्रेन में, तो ये भी लैंडिंग ही रहती है, लैंडिंग नहीं है। और मैं अभी इसी जर्नी में, अभी हम लोग उतरने वाले हैं, रात के 10 बजे हैं, और मैं इनसे मिली हूँ। आपका नाम? बेबी नाम है इनका, बहुत अच्छा लगा आपसे। आपका भाभी पहचानता है? कोई इशू नहीं, आप लोग तो भगवान के वो रूप हैं, इनमें मतलब दोनों समाये होते हैं, है ना, दोनों होते हैं। दीदी को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी रात के बज रहे हैं 10:06 हो रहे हैं, और अभी हम लोग जो हैं
लामडिंग स्टेशन पे उतरे हुए हैं फाइनली। और घर तो ज़्यादा दूर नहीं है ना भाई, ज़्यादा दूर घर नहीं है, घर पास ही में है, तो समझ लीजिए कि हम पहुँच गए। तो फ्रेंड्स मैं ना ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। और भाभी से मिलने का ब्लॉग जो है, बाकी सबका ब्लॉग मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि कैसे क्या हो रहा है। अभी का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग भी खाना वाना खाइए, डिनर वनर करके आराम कीजिए फिलहाल के लिए। गुड नाइट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।